हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं लेके आई हूँ गोभी आलू मसाला की डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि मोस्टली सभी की फेवरेट होती है। इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, लेकिन इसका टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो के करीब गोभी ली है। इसे मैंने इस तरह से थोड़े बड़े साइज में काटा है। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था। तो सबसे पहले हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है। तो चलिए अब हम इस गोभी को फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही मैंने 2 आलू को इस तरह से लंबे साइज में काट लिया है। इसे भी हम साथ ही साथ फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो गोभी और आलू को अलग अलग फ्राई कर सकते हैं, बट ऐसा करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। साथ ही साथ मैं स्टेज पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ताकि गोभी और आलू फीकी ना लगे। ये देखिए, गोभी और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसे हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 चुटकी हींग। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और अंत में बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें मैंने 2 प्याज को यूज किया है। साथ ही साथ मैं 1 कप के करीब फ्रेश मटर ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखें, हमने गोभी और आलू को फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक यूज़ करें। थोड़े से अदरक को मैंने इस तरह से लंबे साइज में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। बाकी बचा धनिया हम अंत में डालेंगे। ऐसा करने से गोभी आलू का जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। मैंने यहाँ 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 2 सूखी लाल मिर्च को मिलाकर एक पेस्ट रेडी किया था, वो इसमें डाल देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है, तब तक हम कुछ सूखे मसालों का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए मैं 2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ही हम किचन किंग मसाला डालेंगे। इसकी जगह आप सब्जी मसाला भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और अंत में 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। ऐसा करने से सब्जी और भी अच्छी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, घोल बनकर तैयार है। और यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो अब हमने जो घोल तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये कढ़ाई से अलग ना होने लगे, यानी कि इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब फेंटी हुई फ्रेश दही डाल रही हूँ। वैसे आप इसे बिना दही के भी बना सकते हैं, बट दही डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, या फिर आप बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे चलाते हुए, और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही, इसे मैंने बीच में से काट लिया है। साथ ही साथ मैंने 1 टमाटर को रफली बड़े साइज में काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये काफी अच्छा दिखता है सब्जी में। अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि मैं ये सब्जी सेमी ड्राई यानी कि लटपट वाली बना रही हूँ, इसलिए हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे कि जब ये बनकर तैयार हो बिल्कुल लटपट वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी डाला है। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब हमने जो गोभी आलू को फ्राई कर रखा था वो इसमें डाल देंगे।
और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और आप देख सकते हैं कितनी यम्मी बनकर तैयार हुई है हमारी गोभी आलू, बिल्कुल लटपट सी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही लाजवाब दिख रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, रेडी है गोभी आलू मसाला। आप इसे लंच में या डिनर में रोटी नान पुलाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की डिलीशियस रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।